आज हम श्रुति के बारे में समझाएंगे। श्रुति दो शब्द शु धातु से बनी है और संगीत की सबसे छोटी इकाई है श्रुति। और संगीत क्या हमारा आधार है, हमारे संगीतकारों ने वही श्रुतियां मानी है। श्रुति वो इकाई है जो ध्वनि से इसकी उत्पत्ति हुई है, पर यह वह ध्वनि है जो सुमधुर है और संगीत के उपयोग में आती है। हम देखते हैं वातावरण में ध्वनि उत्पन्न जब होती है तो ध्वनि उत्पन्न होने से घर्षण होता है। जब दो चीजों में टकराव होता है, जैसे मेरे हाथ में यह पेन है, मैंने पेन को गिराया तो यह आवाज हुई और हमने सुनी, तो घर्षण हुआ और वायुमंडल में ध्वनि की तरंगे बनी और उसके द्वारा हमें वो ध्वनि सुनाई देती है। तो हम यहाँ पर वायुमंडल में हम देखते हैं कि बहुत तरह की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे मोटरसाइकिल का चलना, गाड़ी का स्टार्ट होना, पत्तों का गिरना। इसको मैं दो चीज़ों को कर रही हूँ, ऐसे घर्षण करना एक आवाज़ उत्पन्न, तरह तरह की हम आवाज़ें सुनते हैं प्रतिध्वनि, पर सभी आवाज़ें सभी ध्वनियाँ संगीत उपयोगी नहीं होती है। वे ध्वनियाँ कर्कश होती हैं और संगीत के उपयोग में नहीं आती, परंतु वह ध्वनि होती है। और कुछ ध्वनियाँ सुमधुर होती है, सा तो ये ध्वनि मधुर है और संगीत के उपयोग की है। तो ऐसी ध्वनियाँ दो तरह की ध्वनि होती है, एक तो संगीत उपयोगी ध्वनि और एक संगीत अनुपयोगी ध्वनि। ऐसी संगीत अनुपयोगी ध्वनियों को कर्कश ध्वनियाँ कहा जाता है। जब भी कोई ध्वनि बनती है तो वायुमंडल में तरंगे होती हैं, जब ये तरंगे अनियमित होती हैं तो उससे कर्कश ध्वनि उत्पन्न होती है, और जब ये ध्वनि तरंगे नियमित होती हैं, जितना ऊपर गई नियमित होती हैं तो उससे मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है, और वही मधुर ध्वनि संगीत में उपयोग में लाई जाती है। और ऐसी मधुर ध्वनियों को हमारे शास्त्रकारों ने, प्राचीन ग्रंथकारों ने, जिसमें प्रमुखतः हम भरत का नाम लेते हैं जिन्होंने भरत का नाट्य शास्त्र लिखा, श्रुति कहा। ऐसी ध्वनियां 22 मानी गई।